Good morning everyone and welcome to Navbharti family. So our today's poem is My Good Right Hand, and that is the second poem of class 10th. Our first one was Wrist. All right, and this poem is composed by Charles Mackay. All right, ab aap ek baat batao, jo hamari poems hoti hai unke poet ka naam kaise yaad rakhte ho? मैं बताती हूँ मैं कैसे याद रखती थी. जैसे फर्स्ट पोएम थी हमारी रिस्क. रिस्क किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से. और उसकी पोएम का राइटर कौन है? जैनेट रैंड. आर आ रहा है ना उसके सरनेम में, तो जैनेट रैंड का आर और रिस्क का आर. इस तरह से मैं पोएम के जो पोएट्स थे उनके नाम याद करती थी. यहाँ पे देखिए माय गुड राइट हैंड एम आ रहा है माय में, और यहाँ पे सरनेम में एम आ रहा है मैके, चार्ल्स मैके, माय गुड राइट हैंड. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट स्टैंजा. बट बिफोर दैट मैं एक इसका छोटा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि इस पोएम में एक्चुअली में है क्या. क्या होता है कि जो पोएट है हमारा, ये काफ़ी अमीर हुआ करता था, लेकिन क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन आ गई कि इसके सारे पैसे ख़त्म हो गए थे और ये बहुत गरीब हो गया था. ठीक है, लेकिन जब ये अमीर था, इसके काफ़ी फ्रेंड्स थे, इसके काफ़ी रिलेटिव्स थे जो इसके पास आते थे. इसकी उस टाइम जब इसके पास पैसे थे तब इसकी हेल्प करते थे. बट फिर क्या हुआ, जब इसकी सिचुएशन इतनी बुरी हो गई कि इसके पास कुछ भी नहीं बचा, इसने क्या करा, अपने फ्रेंड्स से हेल्प मांगी, अपने रिलेटिव्स से हेल्प मांगी, बट नन ऑफ देम हेल्प्ड हिम. किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे. ठीक है, सब ने एडवाइस दे दी कि ठीक है भाई सब सही हो जाएगा, बट नोबडी हेल्प हिम इन अ वेल्दी वे. किसी ने भी पैसों से उसकी हेल्प नहीं करी उस सिचुएशन में जब इसको ज़रूरत थी, किसी ने भी इसकी हेल्प नहीं करी. फिर क्या होता है, माय गुड राइट हैंड. यहाँ पे माय गुड राइट हैंड मतलब मेरा अच्छा राइट हैंड, सीधा हाथ. इसका ये क्या शो करता है, ये स्ट्रेंथ, हार्ड वर्किंग एंड बिलीफ शो करता है. ठीक है, इसने क्या करा, इसने हेल्प मांगी, किसने उसकी हेल्प नहीं करी. फिर इसने सिर्फ गॉड पे बिलीव करा और अपने राइट हैंड पे बिलीव करा. एंड बाय राइट हैंड इट मींस हार्ड वर्किंग. इसने काफ़ी हार्ड वर्क करा, इसने अपने आप को मोटिवेट करा, और फिर इसने अपनी सिचुएशन फिर से पहले जैसी अच्छी कर ली और ये फिर से अमीर हो गया. कैसे हो गया, हार्ड वर्क करके और गॉड में बिलीव करके. जब ये अमीर हुआ, इसके फ्रेंड्स वगैरह फिर से इसके पास आने लगे, लेकिन उस टाइम इसने क्या करा, उन सबको जाने दिया. ठीक है, तो ये है हमारी इस पोएम का मतलब. दिस इज एक्चुअली अ मोटिवेशनल पोएम. नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टैंजा. हम थोड़ा डीप में पढ़ते हैं कि एक्चुअली में क्या हुआ है. ठीक है, आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन. आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन अ वेन. Companions were shy and acquaintance were cold. They gave me good counsel but dreaded their gold. First line dekhiye, I fell into grief. Grief matlab shok, sad situation. Hum shok mein chal jate hain na jab bhi hamare sath kuch bura hota hai, to wo wali situation. Main shok mein chala gaya and begin to complain. Aur main shikayatein karne laga, meri situation ki main shikayatein karne laga. I looked for a friend but I sought him in a vain. मैंने ऐसे दोस्त की तलाश करी जो मेरी हेल्प कर सके, लेकिन मेरी वो तलाश व्यर्थ गई, वेस्ट हुई. सॉट मतलब तलाश करना, वेन मतलब व्यर्थ, वेस्ट. दोनों लाइन का मतलब देखिए, आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन. आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन अ वेन. मैं बहुत ही सैड सिचुएशन में चला गया, मैं बहुत शोक की सिचुएशन में चला गया, मैं अपनी सिचुएशन की शिकायतें करने लगा, तो इसीलिए मैंने ऐसे फ्रेंड को तलाशा जो मेरी हेल्प कर सके, लेकिन मेरी ये जो तलाश थी ये वेस्ट हुई, क्योंकि इसको ऐसा कोई फ्रेंड नहीं, कोई भी फ्रेंड आगे आया ही नहीं इसकी हेल्प करने के लिए. ठीक है, थर्ड लाइन पे हम आते हैं. कंपेनियंस वर शाय एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड. कंपेनियंस मतलब फ्रेंड्स, मित्रगण जो होते हैं फ्रेंड्स. एक्वेंटेंस मतलब रिलेटिव्स, जो हमारे परिचित होते हैं, चाचा काका के लड़के. ठीक है, ये हमारे रिलेटिव्स होते हैं. कंपेनियंस वर शाय. शाय का मतलब तो शर्माना होता है, लेकिन यहाँ पे शर्माना वैसा वाला शर्माना नहीं, ये वाला शर्माना नहीं है. कंपेनियंस वर शाय. जो उसके फ्रेंड्स थे वो कतरा रहे थे उसकी हेल्प करने के लिए, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं थे.
सेल्फिशनेस देख रहे हो यहाँ पे। एक्वेंटेंस हुआ कोल्ड, और एक्वेंटेंस हुआ कोल्ड का मतलब ठंडा, यहाँ पे ठंडा नहीं है, कोल्ड का मतलब है रूखे, शांत। एक्वेंटेंस जो रिलेटिव थे वो एकदम रूखे हो गए थे, कोई सब उसको ध्यान ही नहीं दे रहे थे। द गेम मी गुड कंसोल बट ड्रेडेड देयर गोल्ड, उन्होंने मुझे अच्छी एडवाइस दी। कंसोल मतलब एडवाइस, ठीक है। ड्रेडेड मतलब डरते हुए, डरना। गोल्ड मतलब यहाँ पे गोल्ड का मतलब सोना नहीं है, यहाँ पे गोल्ड का मतलब है वेल्थ, धन, पैसे, ठीक है। उन्होंने मुझे अच्छी एडवाइस दी लेकिन वो सब मेरी पैसों से हेल्प करने के लिए डर रहे थे। देखिए, कंपेनियंस वर शाय एंड एक्वेंटेंस वर कोल्ड, दे गेव मी गुड काउंसिल बट ड्रेडेड द गोल्ड। जो मेरे फ्रेंड्स थे वो कतरा रहे थे मेरी हेल्प करने के लिए, और जो रिलेटिव्स थे वो भी रूखे पड़ गए थे जब हेल्प करने की बात आई। तो सबने मुझे अच्छी एडवाइस दी, सबने मुझे सलाह दी, लेकिन किसी ने भी मेरी एक्चुअल में हेल्प नहीं करी पैसों से, क्योंकि उस टाइम उसके पास पैसे नहीं थे, उसको पैसों की ज़रूरत थी, और किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं करी, सब पीछे हट गए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो गया है। आई होप यू गाइज हैव अंडरस्टूड, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन सेकेंड स्टैंजा। Now let's talk about second stanza. ठीक है। Let them go, I exclaimed. I have a friend at my side to lift me and aid me whatever betide. To trust the world is to build castle on the sand. I will trust but in heaven and my good right hand. First line देखते हैं हम। Let them go, I exclaimed. उन्हें जाने दो, मैं चिल्लाया। जो पोएट है वो चिल्लाकर कहता है कि उन्हें जाने दो। I have a friend at my side, मेरे पास एक फ्रेंड है। To lift me, जो lift मतलब ऊपर उठाना, aid me मतलब सहारा देना, help करना। जो मुझे ऊपर उठाएगा, मेरी help करेगा, मुझे सहारा देगा। Whatever betide, betide मतलब घटित होना, actual में होना, टू एग्जिस्ट, जो भी है, व्हाटएवर बिटाइड, जो भी है। दोनों लाइन का मतलब देखते हैं। लेट देम गो, आई एक्सक्लेम्ड, आई हैव अ फ्रेंड एट माय साइड टू लिफ्ट मी एंड एड मी व्हाटएवर बिटाइड। उनको जाने दो, जब कोई भी हेल्प, जो भी इनके फ्रेंड्स हैं उनकी हेल्प नहीं करते हैं, तो पोइट कहता है कि उनको जाने दो, मेरे पास मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे ऊपर उठाएगा, मेरी हेल्प करेगा, मुझे सहारा देगा, चाहे जो भी हो, ठीक है। टू ट्रस्ट द वर्ल्ड इज टू बिल्ड कैसल ऑन द सैंड। टू बिल्ड कैसल ऑन सैंड का यहाँ पे मतलब क्या है? टू बिल्ड कैसल ऑन सैंड, कैसल मतलब महल, सैंड मतलब मिट्टी। मिट्टी से अगर हम महल बनाएंगे तो क्या बन पाएगा? क्या नहीं बनेगा ना, वो तो ढह जाएगा। तो यही चीज कि दुनिया पर विश्वास करना ऐसा है जैसे मिट्टी से महल बनाना। To trust the world is like same as building a castle on a sand. तो उसने ये चीज़ यहाँ पे यूज करी है ये बताते हुए कि किसी पे बिलीव नहीं करना चाहिए। I will trust but in heaven. Heaven मतलब क्या होता है? स्वर्ग होता है, लेकिन यहाँ पे heaven मतलब स्वर्ग नहीं है। यहाँ पे heaven किसको बता रहा है? वो है God, भगवान और उसकी कृपा। I will trust but in heaven and my good right hand. माई गुड राइट हैंड, मैंने स्टार्टिंग में बताया था माई गुड राइट, वॉट माई गुड राइट हैंड शोज, माई गुड राइट हैंड, द राइट हैंड शोज हार्ड वर्क, यहाँ लिखा है, ठीक है। लाइन में देखते हैं, आई ट्रस्ट द वर्ल्ड इज टू बिल्ड कैसल ऑन द सैंड, दुनिया पे विश्वास करना ऐसा है जैसे मिट्टी से महल बनाना। आई विल ट्रस्ट बट इन हैविन, मैं सिर्फ और लेकिन भगवान में और उसकी कृपा में विश्वास करूँगा। And my good right hand, और मेरे good right hand में, मेरे hard work में। इसमें जो poet है वो ये कहता है कि उसने friends से help मांगी, acquaintance relatives से help मांगा, पर किसी ने उसकी help नहीं करी, actual में किसी ने उसकी help नहीं करी, सब ने formality के advice दी और चलते बने। तो कवि यहाँ चिल्ला कर कहता है कि उनको जाने दो, मेरे पास मेरा friend है,
जो मेरी हेल्प करेगा, मुझे सहारा देगा, मुझे ऊपर उठाएगा चाहे जो भी हो, क्योंकि दुनिया पर, वर्ल्ड पर ट्रस्ट करना इज लाइक बिल्डिंग कैसल विथ सैंड, मिट्टी से महल बनाने जैसा है। तो इसीलिए मैं सिर्फ भगवान में बिलीव करूँगा और मेरे हार्ड वर्क में, माय गुड राइट हैंड, दैट मींस मेरे हार्ड वर्क में और भगवान में ही बिलीव करूँगा। ऑलराइट, एंड वी आर डन विथ सेकंड स्टेंजा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टेंजा 3। Sorry. My courage revived in my fortunes despite, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow and it saved me from pain. It fed me and clad me again and again. यहाँ पे कवि अपने हार्डवर्क और करेज की बात कर रहा है। फर्स्ट लाइन हम देखते हैं, मैं करेज रिवाइव्ड, करेज मतलब साहस, रिवाइव्ड मतलब वापस आना। इन माय फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, फॉर्च्यून्स डिस्पाइट मतलब बुरी किस्मत, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, फॉर्च्यून मतलब बुरी किस्मत, ठीक है, दुर्भाग्य के बावजूद मेरा साहस फिर से आ गया, दुर्भाग्य के बावजूद, जहाँ मतलब वो सिचुएशन जहाँ मेरे पास कुछ नहीं था, मेरी किस्मत बहुत बुरी थी, उसके बावजूद भी मेरा जो करेज था, मेरा साहस था, मैंने वापस लेके आया। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, और मेरा हाथ उतना ही स्ट्रॉन्ग था जितनी मेरी मन की खुशी। यहाँ पे स्पिरिट मतलब स्पिरिट मतलब तो आत्मा होता है, मन स्थिति आत्मा, ठीक है, और यहाँ पे लाइट का मतलब रोशनी नहीं है, यहाँ पे लाइट क्या शो कर रही है, हैप्पीनेस, फुल ऑफ हैप्पीनेस। तो यहाँ बता रहा है कि मेरा जो हाथ था वो उतना ही मजबूत था जितनी मेरी मन की खुशी, ठीक है। दो लाइन का हम देखते हैं, माई करेज रिवाइव्ड एंड माई फॉर्चून्स डिस्पाइट एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, मेरा जो साहस था वापस आ गया मेरी बुरी किस्मत के बावजूद भी, और मेरा हाथ उतना स्ट्रांग था, मेरा जो हार्डवर्क, मैं इतना मोटिवेट हो चुका था अंदर ही अंदर से, जितने मैं अंदर से खुश था ना, उतना ही मैं बाहर से मोटिवेट हो चुका था, क्योंकि वो मोटिवेट हुआ, उसका करेज वापस आ गया, तो उसकी मन की स्थिति, जो उसकी जो आत्मा थी, उसकी जो स्पिरिट थी, वो खुश हो गई, उसको एक अरे ऑफ होप दिखाई दी, ठीक है। इट रेज मी फ्रॉम सॉरो एंड इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इस चीज ने, किसने, करेज ने और स्पिरिट ऑफ लाइट ने इसको दुख और दर्द से, दुख से उठाया और दर्द से बचाया। इट रेज मी फ्रॉम सॉरो, इसने मुझे दर्द दुख से उठाया और इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और दर्द से बचाया। इट फेड मी एंड क्लैड मी, फेड मतलब खाना खाना, फीडिंग का ये सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। उसने मुझे खाना खिलाया, क्लैड मी मतलब कपड़े पहनाना, कपड़े से ढकना या कपड़े पहनाना, सेम थिंग, अगेन एंड अगेन मतलब फिर से। इसमें ये बता रहा है कि जो पोएट है वो खुद में बिलीव जब करता है, भगवान में जब बिलीव करता है, तो वो मोटिवेट हो जाता है। मोटिवेट कैसे होता है कि उसका जो करेज है वो फिर से आ जाता है, चाहे उसकी हालत कैसी ही क्यों ना, उसकी हालत बहुत बुरी थी फिर भी उसका करेज वापस आया, उसने खुद में विश्वास रखा, भगवान में विश्वास रखा, इससे क्या हुआ, वो बहुत मोटिवेट हुआ, उसने हार्ड वर्क करा, उसने फिर से हार्डवर्क करा, अपने दुख और दर्द को हटा के, दुख से उठ के और दर्द को भुला के उसने फिर से हार्डवर्क करा, और इससे क्या हुआ, इट फेड मी और क्लैड मी। ये फेड मी और क्लैड मी यहाँ क्यों लिखा है, हम क्या कहते हैं, कहावत होती है ना कि हमारे पास खाने के लिए खाना, कपड़े, बॉडी ढकने के लिए कपड़े, और सर पे छत हो, तो दैट पर्सन इज द लकीस्ट पर्सन ऑन दिस अर्थ, क्योंकि क्या लकी पर्सन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ वही शो कर रही है कि मेरे पास खाना आ गया, मेरे पास कपड़े आ गए, और ये चीज़
फिर से होने लगी, मेरी जो पहले वाले सिचुएशन थी कि मैं पहले जब अमीर हुआ करता था, मेरी वो सिचुएशन फिर से आने लगी। ठीक है, ये हमारा हो गया थर्ड स्टैंजा। अब लास्ट स्टैंजा की हम बात करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्टैंजा फोर। द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन एंड darkest advisors looked bright as the sun. I need them no more as they all understand. I thank thee, I trust thee, my good right hand. First line देखते, the friend who had left me came back everyone. Stanza third में क्या हुआ था कि उसने अपनी situation अपनी मेहनत से, अपने hard work से और belief से फिर से सुधार ली थी। जब उसकी situation सुधरी और वो अमीर होने लगा तो फिर क्या हुआ, उसके जो दोस्त थे जो उसके बैड टाइम में, उसके बुरे वक्त में जिन दोस्तों ने उनका उसका साथ नहीं दिया, वो दोस्त फिर से आ गए थे। कब आए, जब उसकी सिचुएशन सुधरने लगी, जब उसकी सिचुएशन अच्छी हो गई थी तो उसके जो दोस्त उसको छोड़ के चल गए थे वो एक एक करके वापस आने लगे। एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स, डार्केस्ट मतलब दुखी, सेल्फिश लोग जो होते हैं ना एडवाइजर्स, यहाँ पे वो जो रिलेटिव्स थे जो उसको एडवाइस दे रहे थे, शक्ल तो उनकी बहुत बुरी थी क्योंकि वो लोग सोच रहे थे हम इनको इसको हम एडवाइस दे देते हैं कहीं हमसे पैसे ना मांग ले, ठीक है, और उन्होंने उसकी पैसे से कोई हेल्प नहीं करी थी, तो इसलिए हमने उनको डार्केस्ट एडवाइजर्स बोला है। सलाह दे रहे थे, फॉर्मेलिटी कर रहे थे, बुरी से शक्ल बना के सलाह दे रहे थे। लुक ब्राइट एज द सन, जो डार्केस्ट एडवाइजर थे वो भी बहुत खुश, ब्राइट एज द सन मतलब सूरज की तरह चमक रहे थे, बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। दोनों लाइन देखते हैं, द फ्रेंड हु हैड लेफ्ट मी केम बैक एवरीवन एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक ब्राइट एज द सन, जो दोस्त मुझे छोड़ के चले गए थे एक एक करके वापस आने लगे, और जो डार्केस्ट एडवाइजर्स थे, जो सेल्फिश एडवाइजर्स थे, वो भी सूर्य की तरह चमकने लगे, बहुत खुश दिखने लगे। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड, मुझे अब उनकी जरूरत नहीं है, और ये चीज़ वो लोग समझ चुके हैं क्योंकि उसकी जब उसका बुरा वक्त था तब किसी ने साथ नहीं दिया, और जब उसका फिर से अच्छा वक्त आया ना तब सब आने लगे उसके पास। तो ये चीज़ फिर इसने क्या बोला कि अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है, जिन लोगों ने मेरा बुरे वक्त में मेरा साथ नहीं दिया, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। और ये चीज़ इसने क्या फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को शो करी कि मुझे अब तुम लोगों की ज़रूरत नहीं है। और तो ये वाली बात जो थी ना, ये फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सब समझ चुके थे। आई थैंक दी, ये टी एच ई द वाला दी नहीं है, टी एच ई दी यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे जो दी है ना वो यू को शो कर रहा है, ये तो पोएट लैंग्वेज में दी यू को शो कर रहा है। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड, मैंने अपने हाथ को थैंक यू बोला, अपने हाथ पे विश्वास करा, मेरा गुड राइट हैंड, क्यों, क्योंकि मेरा गुड राइट हैंड क्यों, क्योंकि उसका ये जो हाथ है, इस हाथ के सहारे उसने हार्डवर्क करा, उसने फिर से कड़ी मेहनत करी और अपनी सिचुएशन सुधारी, अपनी इस हाथ से, राइट हैंड से, अच्छे राइट हैंड से उसने हार्डवर्क करा और अपनी बुरी किस्मत को उसने अच्छी किस्मत में बदला, उसने अपना खुद का भाग्य सुधारा। ठीक है, तो इसीलिए वो इस लास्ट लाइन में अपने राइट हैंड को थैंक यू बोल रहा है, क्योंकि और बोल रहा है कि विश्वास करा, आई थैंक यू राइट हैंड, आई ट्रस्ट यू, मैं तुम पे विश्वास करता हूँ, माई गुड राइट हैंड। दोनों लाइन का मतलब देखते हैं, आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टूड, अब मुझे उन लोगों की जरूरत नहीं है, ये चीज़ वो समझ चुके हैं। आई थैंक दी, आई ट्रस्ट दी, माई गुड राइट हैंड, आया समझ में ये पैराग्राफ भी, सॉरी आई एम सॉरी, पैराग्राफ नहीं स्टैंजा, ये स्टैंजा आया समझ में आप लोगों को। यही चीज़ है कि जो पोएट है उसकी सिचुएशन जब ख़राब होती है तब उसका कोई साथ नहीं देता है, तब तो सब आते हैं एडवाइस देते हैं फालतू की, कह रहे भाई सब सही हो जाएगा, चल जाते हैं, जिसको एक्चुअल में हेल्प क्या थी, क्या चाहिए थी, उसको पैसों की नीड थी पर किसी ने उसकी वेल्थ ली हेल्प नहीं करी। ठीक है, फिर उसने क्या करा, अपने अंदर विश्वास जगाया, साहस जगाया, उसने अपने हाथ पर विश्वास करा, उसने भगवान पर विश्वास करा और उसने इतना हार्डवर्क करा कि उसने अपना भाग्य सुधार लिया, उसने अपना भाग्य बदल दिया, जो उसकी बुरी सिचुएशन थी वो अच्छी सिचुएशन में बदल गई, और जब अच्छी सिचुएशन आई वो फिर से अमीर हुआ, तब जो उसके दोस्त जो उसको छोड़ के गए थे उसके बुरे वक्त में वो फिर से आने लगे, जो रिलेटिव्स थे जो उसको फालतू के एडवाइस दे रहे थे
वो रिलेटिव्स भी वापस आने लगे, लेकिन फिर पोइट को अब उनकी जरूरत है ही नहीं। पोइट ने उनको बोल दिया, भाई अब मेरे को तुम लोग की जरूरत है ही नहीं। तो वो लोग फिर से ये चीज़ समझ गए, ठीक है। उसने अपने हाथ का शुक्रिया करा, उसने अपने हाथ को थैंक यू बोला, क्योंकि उसने अपने हाथ के सहारे बहुत मेहनत करी थी, ठीक है। वी आर डन विथ दिस पोयम, माई गुड राइट हैंड, आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। अब हम बात करते हैं कि रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन की। मैं बात नहीं करूँगी, मैं ये चीज़ फर्स्ट पोएम में समझा चुकी हूँ। तो आप लोगों का होमवर्क है कि जो चारों स्टेंजा है ना, उनके रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन आप खुद लिखोगे। रेफरेंस मैंने बता ही दिया था, कुछ नहीं लिखना है आपको, लिखना दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम माई गुड राइट हैंड कंपोज और रिटन बाय द चार्ल्स मैके। कॉन्टेक्स्ट में आपको बस जो मेन हाईलाइट होता है ना पैराग्राफ का वो शो करना है, ठीक है, पैराग्राफ का हाईलाइट शो करना। और एक्सप्लेनेशन में यही एक्सप्लेनेशन देना, बस यहाँ हम स्टैंजा से कुछ वर्ड्स उठा लेंगे और अपनी लैंग्वेज में, ईजिएस्ट लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख देंगे, ठीक है। सो गाइज, थैंक यू सो मच, एंड मेक श्योर यू डू योर वर्क, ठीक है ना। थैंक यू।